Hi, this is Khushboo with another question of arithmetic progressions. This is question number 18 from exercise 5.3, page number 113 from NCERT. It says, a spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B. Please spiral diya hai, jisme semicircle ban raha hai, A, 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 is tarah se 13 semicircles hai. Pehle wale ko dekha jaye to yahan pe rakha, to is tarah se ghumaya to ye center, phir dusre ke liye ye center. The center bhi alternately change ho raha hai. So, the center at A, the center is alternately pehle A par, phir B par, A par, B par. Starting with center as A, the radius is 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 as shown. What is the total length of such a spiral? 13 consecutive spirals are hai, total length nikaalna hai. So, length, beech ka part cover nahi ho raha, bahar bahar ki length chahiye. That means, hame chahiye iska perimeter. So, perimeter, यहाँ सेमीसर्कल्स फॉर्म हो रहे हैं, हम सेमीसर्कल भी लेंगे. पेरीमीटर ऑफ सेमीसर्कल का फॉर्मूला हमारे पास होता है, सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr. तो पेरीमीटर के लिए मतलब सेमीसर्कल मतलब हाफ, तो हाफ से डिवाइड करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा πr. अब हमारे पास हमें लेंथ निकालनी है, तो सबसे पहले लेंथ मतलब एल वन ऑफ फर्स्ट सेमीसर्कल. पहले सेमीसर्कल की लेंथ क्या आती है हमारे पास, उसकी लेंथ हमारे पास आती है पाई आर होता है फॉर्मूला. रेडियस हमें गिवन है 0.5, तो पाई इंटू 0.5, डेसिमल हटा पीछे आया 10, 5 वन जा 5 टू जा, तो अभी पाई बाय 2 सेंटीमीटर, ये एल वन आएगा. सेम डेज एल टू निकाला तो पाई आर टू, पाई आस्टर्स आर टू है हमारे पास 1, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर. सेम विद एल थ्री, तो पाई आर थ्री, आर थ्री हमारे पास है 1.5, सो पाई इंटू 1.5, पाई थ्री जा पाई टू जा, दैट मीन थ्री पाई बाय टू सेंटीमीटर. देन एल फोर, तो पाई आर फोर, तो पाई आज इट इज, दिस इज टू, सो ये आ गया हमारे पास 2πr. सो यहां से वापस सीरीज बन जाती है सारे लेंथ की. सबसे पहले हमारे पास आया पाई बाय टू, देन हमारे पास आया पाई, देन आया थ्री पाई बाय टू, एंड देन आया हमारे पास टू पाई. यहां से हमारे पास आ गई हमारी फर्स्ट टर्म विच इज पाई बाय टू. कॉमन डिफरेंस ए टू माइनस ए वन किया तो आया पाई माइनस पाई बाय टू. इसको सॉल्व करके आया टू पाई माइनस पाई बाय टू मीन्स पाई बाय टू. ये हमारे पास आ गया कॉमन डिफरेंस. अब कॉमन डिफरेंस के बाद हमने कहा है एस 13, 13 सेमी सर्कल्स का हमें निकालना है. एन आपको गिवन है 13, फाइंड हमें करना है एस 13. एस एन का फॉर्मूला हमारे पास होता है एन बाय टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1b. 13 टर्म्स का मीन्स एस 13 इज इक्वल टू 13 बाय 2 टू ए. ए हमारे पास गिवन है जो फर्स्ट है दैट इज फाइव बाय टू प्लस एन माइनस वन मीन्स 13 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ रहा है फाइव बाय टू. सो यहां से एस 13 हमारे पास आएगा 13 बाय टू, ये दोनों कैंसिल, हम बचा पाई प्लस 13 माइनस 1 इज 12 इंटू पाई बाय 2. सो 2 वन जा 2 सिक्स जा, सो 13 बाय 2 इंटू पाई प्लस आई मीन 6 पाई प्लस पाई, सो 13 बाय 2 इंटू 7 पाई. सो एस 13 यहां से हमारे पास आएगा पाई के आगे हमें क्वेश्चन में गिवन है 22 बाय 7, सो 7 इंटू 22 बाय 7. पाई की वैल्यू 3.14 पुट नहीं करेंगे, फिर उसे थोड़ी सी वैल्यू में चेंज आएगा. सो जो क्वेश्चन में गिवन है आप उसी वैल्यू को यूज करोगे. तो यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल, 2 11 था 13 इंटू 11, दिस इज 143. ये आ गया आपके पास 13 टर्म्स का सम. दैट मीन्स फर्स्ट 13 जो सेमी सर्कल्स बन गए उनकी लेंथ आएगी 143. सो टोटल लेंथ आ गई
1.3 centimeters. So this is question number 18 from exercise 5.3 of NCERT. If question आपको समझ नहीं आ रहा है, please do write to us. To space नीचे given है उसमें लिखिए and to watch the next video for some more questions. Goodbye.